बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं इंस्टेंट फालसे का खट्टा मीठा मज़ेदार शरबत। ये देखने में जितना खूबसूरत है, पीने में इससे ज़्यादा मज़ेदार है और रिफ़्रेशिंग है। दिलो दिमाग को तकवियत पहुँचाता है। तो चलें इसी के साथ रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फालसे का जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ के जी फालसे लिए हैं। फालसे का मौसम है तो बहुत ही अच्छे फ्रेश फालसे मिल रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ मैंने ग्राइंडर जार लिया है और इसमें ये मैं फालसे डाल दूँगी। मैंने हाफ के जी ये फालसे लिए हैं, इसके अंदर डाल देंगे हम। और इसको पहले मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था, पानी से बहुत अच्छा सा वॉश किया था। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून, जो है मेरे पास काला नमक है, इसके अंदर डाल देंगे। हाफ टी स्पून मेरे पास है वाइट सॉल्ट, ये इसमें डाल देंगे, रेगुलर नमक। इसके अलावा ये मेरे पास एक कप जो है वो चीनी है। फालसे क्योंकि खट्टे ज़्यादा होते हैं, इसकी एक कप चीनी बिल्कुल ठीक रहेगी। ये डालने के बाद इसमें मैंने डालना है पानी। पानी में इसमें डालूंगी तकरीबन 1 केजी 1 केजी पानी डालेंगे और इसको जो है अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और ये अच्छा सा हो गया है। इसको पानी जो मैंने इसमें लिया था वो बिल्कुल ठंडा पानी लिया था। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करूँगी, यहाँ मैंने देखे बड़ा सा बाउल लिया है और मैंने ये एक एक छन्नी ली है और इस छन्नी की मदद से जो है मैं इसको छान लूंगी और इस तरह स्पैचुला की मदद से इसको दबाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा। और ये देखें नीचे से जूस निकलना शुरू हो गया है इसके अंदर से, तो अच्छी तरीके से सारा जूस मैं निकाल लूंगी और इसका जो पल्प बाकी बचेगा उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। देखिए सारा फालसे का जूस मैंने छान लिया है, जूस हमारा यहाँ निकल आया है। बाकी जो इसका बाकी एक्स्ट्रा जो पल्प बचा था वो मैंने सारा डिस्कार्ड कर दिया है। और ये देखें इतना मज़ेदार फ्रेश फ्रेश जो है वो, ये देखें जूस जो है वो तैयार होके हमारे पास आया है। ये देखें यहाँ मैं डालूंगी ग्लास में बर्फ, अच्छी सी बर्फ ले लेंगे, ज़्यादा सी। वैसे तो हमने पानी भी ठंडा लिया था, बहुत चिल है हमारा वैसे ही शरबत। और इसके अंदर हम डालेंगे अपना जूस। ये देखिए मजेदार फ्रेश जूस हमारा तैयार है, हमारे फालसे का शरबत तैयार है। बहुत ही लजीज और मजेदार है, आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।